हेलो एवरी वन टूडे इन दिस वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर थ्री दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तो हम देखेंगे कैसे प्रेगनेंसी रहती है एंड कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है देखो में हमने हमने देखा देखा था कैसे कैसे होता होता है है तो कि के बाद जो जाइोड बना उसका क्या होने वाला है माइटोटिक डिविजन जिसमें जिसमें वो टू सेल स्टेज वाला सेल बनाएगा फिर फोर वाला फिर एट वाला फिर सिक्सटीन वाला फिर थर्टी टू वाला राइट right? तो so, ये थर्टी टू वाला जो ब्लास्टर्स था उसका हमने देखा कि कैसे वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे जाके वो अटैच होता है एंड फिर कैसे एंडोमेट्रियम लाइनिंग उसको कवर करके अपने अंदर ले लेती है राइट right? तो ये जो प्रोसेस है उसको हमने क्या बोला था इम्प्लानशन क्या बोला था है? हमने इम्प्लान्टशन राइट right? ये पिक्चर में भी यू कैन सी कि ये यूट्रस एंड यूट्रस के अंदर ये एम्ब्रियो क्या हो रहा है डेवलप हो रहा है राइट right? लेकिन एज इम्प्लान्टेशन होता है क्या होगा कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपियर होना स्टार्ट होता है राइट right? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कहाँ से स्टार्ट होंगे फ्रॉम दी ट्रोफोब्लास्ट कहाँ से स्टार्ट होंगे फ्रॉम दी ट्रोफोब्लास्ट एंड क्या बनाते हैं कोरियोनिक विलाइन क्या बनाता है कोरियोनिक विलाइन राइट सो सी ये जो है ये ये, ये इस पार्ट का ये एन लार्ज पिक्चर है यू कैन सी ये कैसे कोरियोनिक बनाए फिंगर कॉरियोनिक विलाई बना है राइट right? और ये जो कोरियोनिक विलाई जो है इट इज टोटली सराउंडेड बाय वॉन यूटराइन टिश्यू राइट right? सो तो अभी देखो तुम ये देख सकते हो कि ये जो कोरियोनिक विलाई जो है ये किससे सराउंडेड है बाय यूटराइन टिश्यू प्लस ये किससे सराउंडेड रहेगा मेटरनल ब्लड से किससे सराउंडेड रहेगा मेटरनल ब्लड से फाइन तो so, देखो आगे अब ये जो कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू राइट कौन कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू मतलब यूटरस का जो टिश्यू है दोनों इंटर डिजिटेड हो जाते हैं दे बिकम वॉट इंटर डिजिटेड मतलब दोनों एक साथ हो जाएंगे एंड दे विल जॉइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एम्ब्रियोफिटस एंड मेटरनल बॉडी जिसे हम क्या बोलेंगे प्लासेंटा क्या बोलेंगे प्लासेंटा राइट सो कोरियोनिक विलाई मतलब कि सपोज ये अपना ब्लास्टोसिस्ट है तो ब्लास्टोसिस्ट के जो बाहर के जो सेल्स थे उसे हम क्या बोलते थे ट्रोफोब्लास्ट नहीं ट्रोफोब्लास्ट ने स्पिंगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से क्या बनाया कोरियोनिक विलाई अब ये कोरियोनिक विलाई जो है और ये जो यूट्राइन टिश्यू है राइट ये कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू मिलके ये क्या बनाने वाले हैं प्लेसेंटा राइट सो so, ये जो स्ट्रक्चर जो है दिस इज नथिंग बट प्लासेंटा राइट और प्लासेंटा क्या करता है ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसके बीच में ये डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मेटरनल बॉडी के बीच का ये क्या है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट फाइन तो मेटरनल बॉडी को एम्ब्रियो से कनेक्ट करने वाला कौन है प्लासेंटा

दिस इज एन अम्बेलिकल कॉर्ड राइट और ये क्या है क्रियोनिक right? बिलाई और यू कैन से प्लासेंटल बिलाई राइट ये प्लासेंटा और एम्ब्रियो भी किसके थ्रू कनेक्ट रहेंगे थ्रू वॉट एम अम्बेलिकल कॉर्ड किसके थ्रू कनेक्टेड रहेंगे थ्रू अम्बेलिकल कॉर्ड यू कैन सी इन दिस पिक्चर कैसे ये जो प्लासेंटा जो है ये प्लासेंटा कैसे एम्ब्रियो से कनेक्टेड है थ्रू दिस फाइन ट्यूब जिसे हम क्या बोलते हैं अम्बेलिकल कॉड क्या है ये अम्बेलिकल कॉर्ड फाइन अब देखते हैं देखो प्लासेंटा के फंक्शन क्या है ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है प्लासेंटा ये जो है रेड कलर का दैट्स एंडोमेट्रियम लाइनिंग फाइन आप देखते हैं सो so, सी प्लासेंटा के फंक्शन सबसे पहले ये किसके लिए हेल्प करेगा टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो तो, राइट सो ये जो प्लासेंटा जो है वो क्या करेगा मदर से मदर के बॉडी से क्या लेगा ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स लेगा और किसको पास करेगा टू दिस एम्ब्रियो किसके थ्रू थ्रू दिस अम्बिलिकल कॉर्ड

राइट right? अब देखो प्लासेंटा जो है वो एम्ब्रियो से कैसे कनेक्टेड मैंने अभी जस्ट बताया कि प्लासेंटा जो है वो एम्ब्रियो से अम्बलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड है राइट right? जो अम्बलिकल कॉर्ड से क्या होगा इट विल हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम एम्ब्रियो राइट मतलब कि जो भी सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करना है प्लासेंटा को एम्ब्रियो के पास तो वो एम्बलिकल कॉर्ड से पास करेगा और एम्ब्रियो से जो भी रिमूव करेगा वो भी एम्बलिकल कॉर्ड से ही रिमूव करेगा राइट समझा तो ये है प्लासेंटा के फंक्शंस पर यहीं यहीं पर प्लासेंटा का फंक्शंस खत्म होता नहीं है हम देखते हैं आगे प्लासेंटा जो है वो एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट कर सकता है राइट प्लासेंटा ऑल्सो एक्सेज वॉर एंडोक्राइन टिश्यू राइट प्लस इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस सम सेवरल हारमोन्स राइट right? तो ये एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट करता है प्लस ये क्या करेगा इट उड ऑल्सो रिलीज वार्मोन्स तो कौन कौन से हॉर्मोन्स वो रिलीज करता है सबसे पहले ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन उसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे एच सी जी दूसरा कौन सा है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्ट्रोजन राइट जिसे हम क्या बोलेंगे एच पी एम उसके बाद एस्ट्रोजेंस प्रोजेस्ट्रोजेंस राइट एंड दैट इज अ रिलैक्सिंग लेकिन ये लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में रिलीज होता है लेकिन वो कौन सी क्रिट करेगा ओवरी फाइन सो so ये जो चार जो हार्मोन है एच सी जी एच पी एलस्ट्रोजेंस प्रोजेस्ट्रोजेंस ये कौन रिलीज करने वाला है प्लासेंटा कौन रिलीज करेगा प्लासेंटा राइट एंड ये सारे हॉर्मोन्स का काम क्या होता है तो इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग वॉट प्रेगनेंसी देखो अभी एच सी जी है एच पी एल है एंड रिलैक्सिंग ये तीनों हार्मोन्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज होते हैं राइट तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही प्लासेंटा फॉर्म होता है वही ये हॉर्मोन्स रिलीज सिक्रेट करवाएगा फाइन राइट mm -hmm. नेक्स्ट ही ये जो एस्ट्रोजेन्स है प्रोजेस्टोजेंस है कॉर्टिजोल प्रोलैक्टिन थाइडोक्सिन ये सारे हॉर्मोन्स के भी लेवल प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हो जाता है इंक्रीज होता है राइट इट इंक्रीज सेवरल फोल्ड इन मेटरनल ब्लड मतलब कि अगर तुम मदर का ब्लड डूरिंग द प्रेगनेंसी अगर तुम कलेक्ट करोगे तो वॉट यू विल सी कि ये सारे जो हॉर्मोन्स हैं सबके जो लेवल है वो क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे राइट अभी ये इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हॉर्मोन्स ये जो हॉर्मोन का जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है वो किसके लिए काम आता है तो इट इज वेरी नेसेसरी और एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग फिटल ग्रोथ मतलब ये सारे जो हॉर्मोन्स है सबका फिटल ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है राइट मतलब कि जो फिटल अंदर बूम में ग्रो हो रहा है उसके ग्रोथ के लिए काम आएगा प्लस जो मदर के बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक चेंजेस हो रही है उसे मेंटेन करने के लिए काम आएगा प्लस इट आल्सो हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ वॉट प्रेगनेंसी राइट ये सारे हार्मोन का काम है कि वो मेटाबॉलिक चेंजेस इन अ मदर को मेंटेन करें प्रेगनेंसी को मेंटेन करें एंड फिटल ग्रोथ को क्या करें सपोर्ट फाइन सो ये था अपने प्लाजेंटा के फंक्शन फाइन सो देखो तो जो ट्रोफोब्लास्ट की तो बात हो गई फाइन लेकिन ट्रोफोब्लास्ट के बाद जो इनर सेल मास होता है राइट right? सपोज कि ये क्या है ट्रोफोब्लास्ट राइट right? हमें पता है कि ये ट्रोफोब्लास्ट है राइट right? ट्रोफोब्लास्ट के एक साइड पे देर विल बी प्रेजेंस ऑफ व इनर सेल मास तब ये इनर सेल मास जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है उसके बाद ये क्या करेगा इट विल स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग राइट इनर मास सेल जो है इट विल स्टार्ट वॉट डिफरेंशिएटिंग सो इट विल डिफरेंशिएट इन टू वॉट एज एक्टोडम एक्टोडम मतलब कि आउटर लेयर तो मतलब ये उसने आउटर लेयर बनाना स्टार्ट कर दिया ना एम्बरीओ का आउटर लेयर राइट एम्ब्रियो का आउटर लेयर बनाएगा फिर एंडोडम बनाएगा जो इनर लेयर होगा राइट फिर मेजोडम बनाएगा जो क्या रहेगा मिडल लेयर राइट इट अ सून बिटवीन एक्टोडम एंड एंडोडम मतलब पहले एक्टोडम बनेगा फिर एंडोडम बनेगा एंड इन बिटवीन दिल बी फॉर्मेशन ऑफ वॉट मेजोडम राइट right? देखो क्या बोला है कि दिस थ्री लेयर्स गिव राइज टू टूअर्ड ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन एडल्ट मतलब ये तीनों लेयर जो है वो क्या करने वाले हैं जो बॉडी जो है ऑर्गेनिजम्स की या एम्ब्रियो की उसमें जो टिश्यू है ऑर्गन्स हैं ये सारी चीजें किससे बनेगी ये तीनों लेयर्स से राइट यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिसम किस काम के लिए तो फॉर्म द एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर की जो स्किन वगैरह वो बनाने के लिए मेजोडम किस काम के लिए तो ऑर्गन्स बनाने के लिए एंडोडम किस काम के लिए है तो ऑर्गन के इनर लाइनिंग्स बनाने के लिए काम आएंगे समझा तो ऐसे ये तीनों लेयर में इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट होता है एंड पूरा का पूरा ऑर्गेनिजम डेवलप करता है राइट समझा तुम्हें यहाँ तक सी ये ये सिर्फ तुम्हारे रेफरेंस के लिए ये तुम्हें टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है यू कैन सी कैसे जाएगा उससे ब्लास्टूला बना ब्लास्टूला से गैस्टूला गैस्टूला मतलब कि जो लाइनिंग्स जो बन रही है ना एक्टोडम मेजोडम एंडोडर्म राइट right? ये जो लेयर्स जो बन रहे हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन तो तुम ये पिक्चर में देख सकते हो कैसे एटोडम से क्या बनेगा एपिडमल सेल्स ऑफ द स्किन न्यूरोन ऑफ ब्रेन पिगमेंट सेल राइट मेजोडम से क्या बनेगा नोटोकॉड बोन टिश्यू ट्यूबुल सेल ऑफ द किडनी रेड ब्लड सेल्स फेशियल मसल एंडोडम से क्या बनेगा स्टमक सेल थारॉयड सेल लंग सेल एंड गैस्ट्रोला से जम सेल्स भी बन सकते हैं तो क्या बनेगा स्पम एंड एग सो right? so, ऐसे ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो डिफ्रेंशिएट होता है एंड अलग अलग लेयर्स बनाता है एंड अलग अलग लेयर्स से अलग अलग पार्ट्स बनेंगे अपने बॉडी के समझा अब देखो इनर सेल मास जो है उसके पास ऐसे सर्टन सेल्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं स्टेम सेल्स राइट अभी अब भी हमने देखा कि इनर सेल मास से ही एक्टोडम बना फिर हमने देखा कि एंडोडम बना फिर हमने देखा कि मेसोडम बना राइट right? तो ऐसे ही इनर सेल मास के पास ऐसे सेल्स है जिसे हम क्या बोलते हैं स्टेम सेल्स एंड ये स्टेम सेल्स जो हैं उनके पास ऐसी पोटेंसी होती है उनमें ऐसी एबिलिटी होती है कि अगर तुम उसे डेवलप करना चाहो कोई भी टिश्यू ऑर्गन में वो आराम से डेवलप हो सकता है सो यू कैन सी देखो स्टेम सेल से न्यूरॉन सेल्स भी बना सकते हो एपिथेलियल सेल्स भी बना सकते हो कॉन्ड्रोसाइड्स भी बना सकते हो रेड ब्लड सेल्स भी बना सकते हो फैट सेल्स भी बना सकते हैं एंट्रोसाइड्स एंड कार्डियक सेल्स भी बना सकते हैं मतलब स्टेम सेल को तुम कोई भी सेल में कन्वर्ट कर सकते हो तो इतनी पोटेंसी है इतनी एबिलिटी होती है इनर या इनर सेल मास के पास समझा है सो सी नाउ अब हम देखते हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता कैसे अलग अलग मंथ में राइट सो सी ह्यूमन प्रेगनेंसी जो है ऑलमोस्ट कितने मंथ की होती है नाइन मंथ्स की राइट right? कितने मंथ्स की होती है नाइन मंथ्स की फाइन तब देखते हैं कि हर एक मंथ में कैसे उसका डेवलपमेंट होने वाला है हर एक मंथ तो नहीं देखेंगे लेकिन थोड़े बहुत मंथ्स में देखते हैं कि क्या क्या डेवलप होता है सो सी आफ्टर वन मंथ मतलब वन मंथ प्रेग्नेंसी हो जाती है उसके बाद वोट कैंसी के एम्ब्रियो का हार्ट बन गया है राइट सो ये फर्स्ट साइन होती है कि ग्रोइंग फिटनेस में हम नोटिस कर सकते हैं कि हमें उनका हार्ट का जो साउंड है वो हम सुन सकते हैं थ्रू दिस स्टेटस को उससे भी हम कन्फर्म कर सकते हैं कि वुमेन इज प्रेगनेंट ऑन ऑर राइट सेकेंड क्या है आफ्टर एंड ऑफ सेकेंड मंथ राइट आफ्टर एंड ऑफ बॉ सेकेंड मंथ फिटस में लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे लिम्स मतलब हाथ पैर डिजिट्स मतलब जो उंगलियां हैं वो सब है वो सब डेवलप होना क्या हो जाता है स्टार्ट हो जाता है फाइन सो so, फर्स्ट मंथ के एंड में एंड में हमने क्या देखा कि हार्ट डेवलप हुआ सेकेंड मंथ के एंड में हमने क्या देखा कि लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप हुआ राइट अभी ये जो प्रेगनेंसी जो है उसको हमने तीन ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया है राइट एक होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर दैट फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट टू थ्री मंथ के जो प्रेगनेंसी होती है उसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब फोर्थ मंथ से सिक्स मंथ का जो पीरियड होता है उसे हम सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं एंड थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब सेवेंथ से नाइन मंथ का जो पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर होता है ऐसे जो पूरा नाइन मंथ का जो प्रेगनेंसी इट इज़ डिवाइडेड इन थ्री ट्राइमेस्टर्स राइट सो सी फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब उसमें क्या होने वाला है था एंड ऑफ ट्वेल्व वीक्स राइट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो एंड ऑफ ट्वेल्थ वीक होता है उसमें वॉट विल सी कि मेजर ऑर्गन बन के रेडी हो जाएंगे राइट so, मतलब कि लीम्स भी बन जाएंगे एक्सटर्नल जेराइटर ऑर्गन भी डेवलप हो जाएंगे राइट हमने देखा फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ दोनों किसके अंदर आएंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने देखा कि फर्स्ट मंथ में क्या होता है हार्ट डेवलप होता है सेकेंड मंथ में हमने देखा कि लिम्स डेवलप होते हैं डाई तो ऐसे मेजर ऑर्गन जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही बनना स्टार्ट हो जाते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स मंथ आएगा तो यू कैन सी फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटर्स एंड अपियरेंस ऑफ हेयर ऑन हेयर राइट मतलब मूवमेंट जो है फीटर्स का फिर उनके हेड पे हेयर आना ये सारी चीज़ें हमें कब ऑब्जर्व कर पाएंगे ड्यूरिंग द फिफ्थ मंथ है मतलब कि जो प्रेगनेंसी का जो फिफ्थ मंथ है वो टाइम पे यू कैन फील द मूवमेंट ऑफ द फीटस प्लस यू कैन ऑल्सो सी द हेयर ऑन द हेड फाइन एंड जब ट्वेंटी फोर वीक्स एंड हो जाते हैं मतलब ट्वेंटी फोर वीक्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद वॉट यू कैन सी कि बॉडी जो है इट विल बी कवर विथ फाइन हेयर छोटे छोटे हेयर्स बॉडी पे आ जाएंगे ट्वेंटी फोर वीक्स के बाद प्लस उसकी आई बनना स्टार्ट हो जाएंगी एंड आई भी बनेंगे फाइन एंड जब सेवन टर्न नाइन सेवन एट एंड नाइन्थ दैट इज़ अ थर्ड ट्रांसटर वाला जो पीरियड है मतलब कि नाइन मंथ अभी खत्म हो गए राइट right? अभी क्या हो गया नाइन मंथ जब खत्म हो जाएगा तो फीचर्स विल बी फुल्ली डेवलप एंड विल बी रेडी फॉर डिलीवरी फाइन सो so, ऐसे थ्री ट्राइमेस्टर्स में हमने प्रेगनेंसी को डिवाइड किया है अलग अलग ट्राइमेस्टर्स में अलग अलग उसका डेवलपमेंट होता है यू कैन सी ओवर यूर देखो फर्टिलाइज एग फर्टिलाइज एग है मतलब कि ये जयगोट है राइट right? पहले सेग टू सेल स्टेज बना फिर क्या बना फोर सेल स्टेज बना फिर यहाँ पे एट सेल स्टेज होगा राइट राइट ऐसे ये क्या हुआ डिवाइड होते 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 उससे थर्टी टू सेल का क्या बनाया ब्लास्टोसिस राइट ब्लास्टोसिस अब क्या हुआ इट गॉट अटैच टू द एंडोमेट्रियम अभी धीरे धीरे ये क्या हो रहा है डेवलप होना स्टार्ट हुआ है तो उसका हार्ट बन गया होगा एड लिम्स बनना स्टार्ट हो गया डिजीज बनना स्टार्ट हो गया यू कैन सी ओवर यर राइट अभी फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स मतलब कि थर्ड मंथ तक ये क्या हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर था अरे फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स यहाँ तक कौन सा ट्राइमेस्टर होगा सेकेंड ट्राइमेस्टर यू कैन सी सिक्स मंथ में आते आते वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है उसके आई भी आ गई है आई भी आ जाएगी एंड सेवेंथ एथ नाइन्थ में यह प्रॉपरली डेवलप हो जाएगा इट विल बी रेडी टिल द नाइन्थ मंथ टू गेट डिलीवर बाइट सो ऐसे ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है एंड ऐसे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है वाइट So, this was all about the pregnancy and embryonic development. In the next video, we'll see about the next topic. Thank you.